हेलो एवरीवन, इस वीडियो में कवर करेंगे विज्ञान के प्रमुख उपकरण व इनके प्रयोग। साइंटिफिक जितना भी इंस्ट्रूमेंट है इस वीडियो में सारा कवर कर देंगे। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम से पूछ जाते हैं, हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं, तो इस सारे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो पहला देखते हैं अल्टीमीटर। अल्टीमीटर है यह एक ऊंचाई मापक यंत्र है, ऊंचाई मापने का काम करता है, जिसका प्रयोग विमानों में किया जाता है। विमान में इसका प्रयोग किया जाता है अल्टीमीटर का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला हो गया अल्टीमीटर। अगला है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का उपयोग इससे वायु का बल गति को मापा जा सकता है, वायु का बल या फिर गति को मापा जा सकता है। यह वायु की दिशा परिवर्तन भी करता है, यह वायु की दिशा परिवर्तन भी करता है। अगला है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का प्रयोग इससे ध्वनि की तीव्रता को मापा जा सकता है कि कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम कम है या फिर ज़्यादा है, इससे ध्वनि की तीव्रता को मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है ऑडियोफोन। ऑडियोफोन का उपयोग इससे सुनने की मशीन कहा जाता है, जिनको कम सुनाई देता है वो ऑडियोफोन के जरिए सुन सकते हैं। ठीक है, इसे लोग सुनने की सहायता के लिए कानों में लगाते हैं। तो यह है उसका फिगर, सारे का फिगर इसमें दिया गया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एंटी क्राफ्ट गन। ये काफ़ी मतलब कि वॉर के टाइम में इसका यूज किया जाता है, एंटी क्राफ्ट गन का यहाँ पे फिगर है इसका। और इसका प्रयोग गोला मारकर हवाई जहाज़ गिराने की तोप है, गोला मारकर हवाई जहाज़ को गिराने की तोप है। अगला क्वेश्चन एक्सेलेरोमीटर। ये इसका उपयोग होता है वाहन के त्वरण को मापने वाला यह यंत्र है, वाहन के त्वरण को, यह है इसका किट लगा हुआ रहता है यहाँ पे गाड़ी के आगे में। अगला है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ का उपयोग यह वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को लगातार मापता रहता है, वायुमंडल में जो भी मौसम चेंज होता है उसका ये लगातार मापते रहता है और स्वतः ही इसका ग्राफ बता देता है, और यहाँ पे है जो कि ग्राफ बनते रहता है ऊपर नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे वीडियो में देख फोटो में देख सकते हैं। अगला है बायनोकुलर्स। तो बायनोकुलर्स का उपयोग है जो कि दूर की चीज़ को स्पष्ट देखी जा सकती है, इससे दूर की चीज़ है उसको बायनोकुलर्स के द्वारा देखा जा सकता है, यहाँ पे इसका फोटो है। अगला क्वेश्चन कैलीपर्स। कैलीपर्स का प्रयोग इससे वृत्ताकार वस्तुओं के भीतरी तथा बाहरी व्यास को मापा जा सकता है, इससे मोटाई भी मापी जा सकती है। कोई भी गोल है, कोई भी गोल वेसल्स है या फिर कंटेनर है, उसके अंदर कितना उसका व्यास है इसे मापा जा सकता है। ठीक है, अगला कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ का उपयोग हृदय गति को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, हृदय की गति को, ये हॉस्पिटल में लगा हुआ रहता है, हृदय गति को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। कंपास नीडल। तो कंपास नीडल का प्रयोग या मतलब कि जहाँ पे समुद्र वगैरह में किया जाता है, जहाज़ वगैरह में, या दिशा सूचक यंत्र है, इसके द्वारा किसी स्थान पर दिशाओं का पता पड़ जाता है, यहाँ पे है जो इसमें नीडल लगा हुआ रहता है, ईर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, सिस्कोग्राफ। सिस्कोग्राफ का उपयोग पेड़ पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है, पेड़ पौधा को जितना स्पीड से वो बढ़ रहा है वो, तो यहाँ पे उसको ये मेजर करके बता देता है। डायनेमो। डायनेमो का उपयोग इसका प्रयोग है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये जनरेटर में लगा हुआ रहता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ ईसी, जिसको ईजी भी बोला जाता है, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ, तो इसका उपयोग है जो मस्तिष्क की तरंगों का रिकॉर्ड करता तथा उनकी व्याख्या भी करता है, यह यंत्र है जो कि मस्तिष्क की तरंगों को रिकॉर्ड करता तथा उनकी व्याख्या भी करता है। यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको लगाया जाता है, आप फोटो में देख लीजिए। अगला है हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर का प्रयोग यह द्रवों के बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करने वाला है कि कितना उसका बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उसी तरह ये मापने वाला यंत्र है। अगला होता है कोनीमीटर। कोनीमीटर का वायु में उपस्थित धूल की मात्रा को मापा जा सकता है, वायु में कितना पॉल्यूशन है, तो उसी को ये मापने वाला यंत्र है कोनीमीटर। अगला है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का उपयोग यह दूध की शुद्धता को मापने वाला एक यंत्र है, इससे दूध का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, जिससे दूध में उपस्थित पानी की मात्रा का पता चल जाता है, तो इससे दूध में कितना शुद्धता है कितना नहीं उसका पता चल जाता है, इससे लैक्टोमीटर, यहाँ इसका फोटो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला है नेफोस्कोप। नेफोस्कोप का उपयोग बादलों की तीव्रता व दिशा को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बादलों की तीव्रता व दिशा को देखने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगला है ओडोमीटर। ओडोमीटर जो मोटर की गाड़ी की गति मापने वाला यंत्र भी कहा जाता है, इससे मोटर
इसमें मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात किया जाता है, कितना स्पीड से गाड़ी चल रहा है नहीं चल रहा है उसका यहाँ पे पता जाता है ऑडोमीटर। अगला है ऑटोस्कोप। ऑटोस्कोप तो ऑटोस्कोप है जो इसके द्वारा कानों का परीक्षण किया जाता है, आप कान कितना आपका परफेक्ट है या नहीं है इसके द्वारा कानों का परीक्षण किया जाता है। अगला है अल्ट्रासोनिक स्कोप, यह ध्वनि अल्ट्रासाउंड को मापता है और उसका प्रयुक्त करता है, ठीक है। इसका प्रयोग मस्तिष्क में ट्यूमर हृदय रोगों का पता लगाने में होता है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक स्कोप यहाँ पे उसका फोटो दिया गया। अगला है ओडोमीटर। ओडोमीटर यह एक वर्षा मापक यंत्र है, बारिश जो कितना सेंटीमीटर से हुआ है नहीं हुआ है तो इसका प्रयोग ओडोमीटर जो किया जाता है वर्षा में। अगला ट्रांसफार्मर, ये आप लोग देखे होंगे ट्रांसफार्मर, इसमें एसी धारा के करंट को कम या ज़्यादा करने में इसका प्रयोग होता है, एसी करंट को कम या ज़्यादा इसमें इससे कर सकते हैं ट्रांसफार्मर से। सेक्सटेंट है, इस यंत्र के द्वारा सुदूर के पर्वत वृक्ष आदि की ऊंचाई मापी जाती है। नौचालक इससे किसी स्थान के अक्षांश को मापते हैं, कोई भी पर्वत कितना ऊंचा है माउंटेन्स तो उस पर चढ़ के नहीं देखा जाता है, इसी से ही मापा जाता है सेक्सटेंट से पर्वत कितना ऊंचा है, या फिर पेड़ है जो कि कितना ऊंचा है, मापने वाले इंस्ट्रूमेंट है सेक्सटेंट। अगला स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो काफ़ी ईजी है, इस यंत्र से डॉक्टर द्वारा हृदय फेफड़ों की ध्वनि सुनने तथा उसकी व्याख्या की जाती है। डॉक्टर के गले में आप लोग देखे होंगे स्टेथोस्कोप, इसका उपयोग हॉस्पिटल में किया जाता है, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट। अगला भी है, ये चार दिया गया है, चार है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसको भी याद रख सकते हैं। पहला है रेडियमीटर, गाड़ी के इंजनों को ठंडा करने में रेडिएटर का उपयोग किया जाता है। फिर है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता। उसके बाद है स्पिगमोफोन, स्पिगमोफोन है जो कि पिछले एग्जाम से पूछा भी गया है रेलवे में, ठीक है। तो स्पिगमोफोन है जो कि रक्त की ध्वनि सुनने में इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, रक्त की ध्वनि। अगला है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का एसी धारा के करंट को कम या ज़्यादा करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं।